हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सामल और मेरे पास एक मॉडल है, टेक्नो का मॉडल है, टेक्नो स्पार्क। ठीक है, टेक्नो स्पार्क ये मॉडल। तो दोस्तों ये आया था मेरे पास डेड, इसको हम आज करेंगे डिसअसेंबली, इसको बनाएंगे, देखेंगे इसका क्या क्या कंपोनेंट लगा है, इसका कॉम्बो कैसा है, ओके, और रिंगर स्पीकर वगैरह कैसे हैं, इसका सब चीज़ हम जानेंगे। तो पहले इसको ओपन करने के लिए आप क्या करना है, सिम ट्रे को फास्ट यहाँ पर इसको निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ से गैप को क्रिएट करके पीछे का कवर को, गैप को क्रिएट करके पीछे का कवर को आराम से आपको निकालना है। ठीक है, ऐसे पीछे का कवर जो है इसका ऐसे निकल जाएगा, इसको रखते हैं अभी साइड में। उसके बाद आपको यहाँ से निकालना है फिंगरप्रिंट सेंसर को, ये सेंसर अभी यहाँ पर निकल चुका है फिंगरप्रिंट सेंसर। उसके हम चलते हैं नीचे की साइड, जितने भी सब सारा स्क्रू लगा है ना, सारा स्क्रू को आपको निकाल लेना है। उसके बाद पीछे का जो है आपका सीसी बोर्ड का कवर, इसको पहले आप निकाल लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ से अभी बैटरी को निकाल लेता हूँ, सॉरी बैटरी निकालने से पहले ये जो कवर है ना इसको निकालिए। इसको निकालने के बाद बैटरी को यहाँ से रिमूव करिए कनेक्टर को। उसके बाद बैटरी को मैं अभी यहाँ पर निकाल लेता हूँ। बैटरी को निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा परेशानी होगा आपको, देखिए कितना गम लगा है, देख रहे हैं ना, थोड़ा टेंशन होगा आपको बैटरी निकालने के लिए, मुझे भी हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम पहले देखते हैं यहाँ पर जो कॉम्बो का लगा है ना, यहाँ पर फ्लेक्स लगा है सीसी बोर्ड का, इसको मैं निकाल लेता हूँ। पहले सीसी बोर्ड आप देख लीजिए सीसी बोर्ड कैसा है, ये उसका सीसी बोर्ड, जो चार्जिंग कनेक्टर है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए चार्जिंग का कनेक्ट यहाँ पर लगा है, आपका वाइब्रेटर सोल्डिंग हुआ है, वाइब्रेटर आपका सोल्डिंग हुआ है ऐसे, और जो चार्जिंग कनेक्टर है आप देख लीजिए, नॉर्मल चार्जिंग कनेक्टर है जैसे हम डालते हैं रेडमी 5A वगैरह में, वही सेम टाइप का आपका चार्जिंग कनेक्टर है ये, ओके। ऐसे इसको अभी इसको रख लेते हैं। चलिए ये फ्लैश को निकालने के बाद अभी मैं जो मेन बोर्ड है उसको मैं अभी यहाँ पर इसको निकाल लेता हूँ। ये आपका निकल गया मेन बोर्ड, ये आपका एंटीना का वायर है ये। अभी देखिए इसमें आपको क्या क्या लगा है, इसमें है आपका ओनली रिंगर, ये आपका है रिंगर, ओके, और ये आपका वॉल्यूम और ऑन ऑफ का फ्लेक्स है, वॉल्यूम और ऑन ऑफ का फ्लेक्स जो कि यहाँ पर आपका कनेक्ट है। अगर काम नहीं कर रहा तो थोड़ा इसको आपको स्क्रैच कर लेना है, कार्बन हो गया होगा। चलिए अभी मैं कॉम्बो को निकाल लेता हूँ। देखिए कॉम्बो किस टाइप का है, देखिए थोड़ा देखिए, अब इसमें सेकेंड फ्लेक्स नहीं है, देखिए कॉम्बो में ही आपको मिलेगा यहाँ पर सी टाइप का, जो सॉरी नीचे वाला जो सीसी बोर्ड है उसको कनेक्ट करने के लिए फ्लेक्स कॉम्बो में ही मिलेगा। अगर आप इसमें कॉम्बो चेंज करते हैं तो ज़रूर ध्यान रखना है आपको, पहले कॉम्बो को लगाकर माइक और चार्जिंग जरा चेक कर लीजिए फर्स्ट, क्योंकि ये नीचे की तरफ जो सेक्शन है आपका नीचे की तरफ आएगा, माइक और चार्जिंग वगैरह चेक करके आपको कॉम्बो को फिटिंग करना है, उसे फिटिंग नहीं करना है, ओके ओके। इसका काम ख़त्म, अभी चलते हैं यहाँ पर मदरबोर्ड की तरफ। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मदरबोर्ड, अगर आपका कुछ कंपोनेंट जरूरत हो कहाँ पर देखिए थोड़ा आप चेक कर लीजिए क्या क्या कंपोनेंट लगा है। ठीक है इस तरफ दिखा देता हूँ मैं आपको, ओके। देखिए दोस्तों आपको जो रिंगर का पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ये तीनों यहाँ पर टच होगा, और यहाँ से रिंगर का जो फ्लेक्स देखिए यहाँ पर भी अंदर है, ये रिंगर में टच होगा आपका। ठीक है ओके दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए। ये है टेक्नो का मॉडल, टेक्नो स्पार्क।
ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।